नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने ढाकरे सरकार पर हमला करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना के नाम पर आग लगी है, ढाकरे सरकार घोटाले करती है, लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये सरकार नौटंकी ही करती है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जी का सामना द्वारा नाटक है। उद्धव ठाकरे जी फुल फ्लेज निष्फल गए हैं प्रशासन में और एक के बाद एक घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, तो वहां से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सामना हर दो चार दिन में ऐसा कोई स्टंट खड़ा करता है। अरे कहां ताइवान, कहां ये, क्या संबंध है। महाराष्ट्र में आज आग लगी है कोविड के नाम पर, एक के बाद एक घोटाले उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है। शिवसेना के लोग घर पे जाके लोगों की मारपीट करते हैं, कोई अगर सोशल मीडिया पे लिखता है तो पत्रकारों को जेल में भेजा जाता है, किसानों को जो उन्होंने प्रॉमिस किया था पैसा नहीं मिल रहा है, बिजली के बिल डबल हो गए हैं, वहां से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये उद्धव ठाकरे जी। करौली पुजारी हत्याकांड मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मामले में राजस्थान सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिवार सहित विपक्षी दलों के नेता पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सांसद मनोज राजौरिया भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान सांसद ने कहा कि सरकार के सामने मांगों को रखा गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कोई आश्वासन नहीं मिला है, जो 50 लाख की मांग थी उस पर कोई आश्वासन नहीं मिला, सरकारी नौकरी पे कोई आश्वासन नहीं मिला, दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कोई आश्वासन नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि हम निराश होकर लोग रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, जनता जो निर्णय। बीजेपी नेता तरुण चुग ने सीएम ममता पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, इसका एक चलन चल पड़ा है। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को इसमें शहीद हो चुके हैं। लगातार ममता की सरकार दमन चक्र चला रही है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। उन पर हमले करने, उनके आंदोलन को कुचलना, उनके कार्यकर्ता को गोली मारनी, ये एक वहां चलन चल पड़ा। लगभग 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते हुए वो शहीद हो चुके हैं। 4 दिन पहले जैसे वहां घटना हुई और उसके बाद गोलियां चली, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, और उसके बाद लगातार जैसे दमन चक्र ममता बनर्जी जी की सरकार चला रही है वो अशोभनीय। पंजाब में स्कॉलरशिप घोटाले के मामले में कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और वे इस मामले में सड़कों पर उतर आए हैं। इस मौके पर बीजेपी जिला पटियाला के प्रधान हरिंदर कोहली ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने 65 करोड़ स्कॉलरशिप का बच्चों के साथ घोटाला किया है, यह बहुत ही घटिया हरकत है और ऊपर से कांग्रेस सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री को क्लीन चिट दे दी गई है, ये सब कुछ मिलीभगत से हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ 2 घंटे के लिए सड़क जाम की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रदेश में स्वास्थ्य और अस्पतालों की समस्याओं को लेकर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हिंदू राव अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को जल्द ही दिल्ली सरकार के अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की हड़ताल के कारण दिल्ली सरकार ने हिंदू राव अस्पताल से सभी कोरोना मरीजों को सरकारी अस्पतालों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली के हिंदू राव हॉस्पिटल में जो एमसीडी के द्वारा चलाया जाता है, वहाँ के डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने स्ट्राइक के लिए नोटिस दिया है इनको। वहाँ पर कोविड पेशेंट्स हैं हिंदू राव हॉस्पिटल में, तो कोविड पेशेंट्स को हमने आदेश दिया है कि उनको शिफ्ट दिल्ली सरकार के अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पर संडे से हड़ताल की चांसेस हैं कि संडे से वो देखना बंद कर देंगे। मेरा एमसीडी को कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं और स्टाफ हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह जरूर दें, जल्द से जल्द दें। और अगर एमसीडी से, नॉर्थ एमसीडी से अस्पताल कस्तूरबा हॉस्पिटल और हिंदूराव हॉस्पिटल, इन दोनों की सैलरी नहीं दी गई है, अगर उनसे नहीं चल रहे हैं तो दिल्ली सरकार को सौंप दें, हम चला लेंगे। और हम
यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप के बाद से विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार है। विपक्ष के कई नेता लगातार सीएम योगी पर भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं। इस आरोपों पर सीएम योगी ने प्रतिक्रिया दी है। हमने किसी की जाति नहीं पूछी, हमने किसी का मत और मजहब नहीं पूछा, हमने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को सबका साथ सबके विकास को प्रत्येक नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। ऐसे ही कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने प्रवासी कामगार हो, श्रमिक हो या कोई भी जरूरतमंद हो, राशन कार्ड किसी की जाति देख करके नहीं पहुंची। नहीं तो सपा के कार्यकाल में आपने देखा होगा खाद्यान्न माफिया कुशीनगर में हावी होते थे, देवरिया में हावी होते थे, बलिया में हावी होते थे, गरीब का खाद्यान्न खा जाते थे। इस बार तो हर गरीब को राशन मिला है, कोई गरीब ये नहीं कह सकता। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राहुल गांधी पंजाब और हरियाणा की तरह राजस्थान में भी आएं और किसानों से रूबरू हों। पंजाब में हरियाणा गए, हम चाहेंगे एक बार राजस्थान में आए किसानों से रूबरू हो। यहाँ किसान पूरी तरह तैयार है, दुखी है, चिंतित है आने वाले वक्त में क्या सोनिया गांधी चाहती है कि सारी सरकारें सोचे किस प्रकार से हम जो कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है उस पर जो केंद्र ने जो हस्तक्षेप किया है उनको किस प्रकार से हम लोग ठीक कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि विचार करें हम लोग उनके सुझाव। सरकार ने प्याज के निर्यात पर पिछले महीने लगाई गई पाबंदी में ढील देते हुए बेंगलोर रोज और कृष्णापुरम किस्म के प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। हालांकि इस छूट के साथ निर्यात के लिए कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में शुक्रवार को कहा कि बेंगलोर रोज और कृष्णापुरम प्याज की 10,000 टन मात्रा के निर्यात की इजाजत दी जा रही है। यह इजाजत तत्काल प्रभाव से अगले साल 31 मार्च तक के लिए वैध होगी। इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि निर्यात सिर्फ चेन्नई बंदरगाह से किया जाएगा। अगले कुछ दिनों में भारत में त्योहारों की झंडी लगने वाली है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल के त्योहार फीके फीके से नजर आ रहे हैं। वहीं अक्टूबर और नवंबर में पड़ने वाले त्योहारों पर भी कोरोना का काला साया मंडराता नजर आ रहा है। इसके चलते महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना महामारी की वजह से त्योहार में मूर्ति बनाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। एक मूर्तिकार ने बताया कि पहले 200 मूर्ति बनाने का ऑर्डर आता था और अब 50 गुना कम हुआ है। पहले पीओपी की मूर्ति बनती थी, लेकिन पीओपी बंद होने से अब मिट्टी से बने जो भी मूर्ति है उनको ग्राहक कम खरीद रहे हैं। हमारा ऑल बॉम्बे, ऑल बॉम्बे विरार तक हमारा मूर्ति जाता था, लेकिन इस साल क्या है वो सब लाने जाने के लिए वो मंडल वाले लोगों को ये नहीं है, कोई मंडल वाले आते हैं तो उनके पास आदमी भी नहीं रहते, ग्रुप नहीं रहता है कोरोना की वजह से। इसलिए क्या है इधर जो लोकल है, इधर नज़दीक वाला जो सिटी है उधर से ही ये मूर्ति लेके जाते हैं। आप बता रहे हैं आप लगभग 40 साल से इसी फील्ड में हैं। हाँ, अगर मूर्ति नहीं बिकता है तो आपके जीवन पर काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि क्या है मेरा बिजनेस, मेरा आवर ये इनकम इसके ऊपर ही है, और मैं 8-10 कारखाने में काम करता हूँ। मैं स्पेशलिटी है मेरा कि आग बनाने का स्पेशलिटी है, तो मेरे को सब ये कारखानदार मेरे को बुक करते हैं। वह बहुत कम हो गया है, सब जगह मूर्ति कम हो गई है। इस साल तो देवी का मूर्ति बहुत कम हो गई है। बहुत असर हो गया अभी, फिर गांव में भी हमारे काम कम रहता है और इधर भी काम कम है, वैसा कम हो गया। फिर इसमें क्या मालूम है पहले आप कितनी मूर्तियां बनाते थे और अब कितनी बना रहे हैं? पहले मूर्ति 150-200 रहता था, अब कम है। कितना? 150-200 है अभी। पहले मूर्ति का ऑर्डर 200-250 रहता था, अभी कम है उससे।
दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में टीचर की हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। आपको बता दें कि 18 साल के राहुल की बुधवार रात पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच में किसी लड़की से दोस्ती को लेकर मारपीट की बात सामने आई है। बुधवार शाम को लड़की के कुछ रिश्तेदार राहुल से मिले थे, फिर उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया था। राहुल को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और दिल्ली सरकार से मुआवजे की मांग की। से यहाँ पर मिले हैं, वास्तव में दिल दहलाने वाली, दुख देने वाली, एक बहुत स्तब्ध कर देने वाली घटना हुई है राहुल के साथ। और ऐसे में जहां दिल्ली राहुल के परिजनों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी राहुल के परिजनों के साथ है। हमने एक जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में की पीट पीट कर टीचर हत्या के मामले में मामला लड़की से दोस्ती का बताया जा रहा है। इस मामले में मृतक के पिता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इतना बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बीच में हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसका मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को पुलिस अपनी सपोर्ट कर रही है पूरी। अच्छा। जो बंदे उन्होंने पकड़े हैं, मेरे को अगले आश्वासन दे रहे हैं कि भाई जो बंदे बचे हैं उनको भी हम पकड़ के लाएंगे। अभी एसीपी साहब आए थे सामने आपके, वो अगले पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि भाई जो आपको मतलब जो क्रिमिनल है उनको सबको अरेस्ट करेंगे और बड़ी से बड़ी सजा दिलवाएंगे। अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया? 5 लोगों ने भी वो कह रहे हैं पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया, बाकी कह रहे हैं लेकिन हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाकी वो कह रहे हैं अगर और भी है तो वो भी हम ढूंढ लेंगे उनको। सर देखो, मेरे को नेता से कुछ नहीं लेना। अब खबर यूपी के संभल से है, जहां पर राज्य मंत्री गुलाब देवी सरकारी धान क्रय केंद्रों के औचक निरीक्षण के लिए पहुंची, जहां पर किसानों ने सरकार क्रय केंद्रों तैनात अधिकारी और कर्मचारियों पर मनमानी और धांधली के आरोप लगाते हुए राज्य मंत्री से शिकायत की। इस दौरान किसानों ने राज्य मंत्री गुलाब देवी को बताया कि सरकारी धान क्रय केंद्रों पर प्राइवेट आड़तियों आउट बिचौलियों की मिलीभगत के चलते किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है, जहां अच्छी क्वालिटी के धान को भी घटिया बताकर किसानों को वापस भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से परेशान किसान प्राइवेट आड़तियों को धान 1100 से 1200 रुपए कुंटल बेचने के लिए मजबूर हैं। जिसके बाद गुलाब देवी ने अधिकारी और कर्मचारियों को आड़े हाथों लेते हुए जेल भेजने की धमकी दी। इस मामले पर गुलाब देवी ने SDM को सरकारी धान क्रय केंद्रों की नियमित जांच कर और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात की। मुंबई क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां रवाले MIDC क्षेत्र सिल्वर में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 36 लाख रुपए गुटखा, पान मसाला और लगभग 50 लाख रुपए का वाहन जब्त किया है। साथ ही आरोपियों को 12 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर ले जाया गया है। पुलिस कमिश्नर विपिन कुमार के मुताबिक आरोपी गुजरात से आए हुए थे। वहीं पुलिस ने इस मामले पर गंभीरता से लेते हुए रैकेट में और कितने लोग शामिल हैं इसकी जांच की जा रही है। कोरोना महामारी के समय में ही परीक्षाएं भी करवाई जा रही हैं, हालांकि परीक्षाओं का विरोध लगातार हो रहा है। अब महाराष्ट्र में MPSC की परीक्षाओं का विरोध किया जा रहा है। शिवसंग्राम पार्टी के नेता विनायक मेटे ने भी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग की जो अभी 11 अक्टूबर को एग्जाम होने वाली है, वो एग्जाम किसी भी तरह से ये होनी नहीं चाहिए, ये महाराष्ट्र के मराठा समाज की मांग है। उसको लेकर कल माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के साथ काफ़ी लगातार 2-3 घंटे बातचीत हुई, मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद हमने उनको कहा कि भाई 4 अक्टूबर को जो UPSC की एग्ज़ाम हुई है उसमें 40% 40% विद्यार्थी वहाँ स्टूडेंट बैठे नहीं है, तो अभी जो इसी एग्जाम में भी यही होने। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई पुलिस ने गोरेगांव में एक डांस बार में पुलिस ने छापा मारा। छापामारी के दौरान पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने होटल में छापा मारा, जहां पर 12 बार बालाओं और समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने 11 बार बालाओं को रेस्क्यू किया गया और इस मामले में पुलिस ने वेटर, सुपरवाइजर, कैशियर और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक डांस बार पर पुलिस ने छापा मारा, जहां से कई लोगों को हिरासत में लिया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक बार फिर तेंदुओं की दहशत देखने को मिली है, जहां पर तेंदुओं ने एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया। दरअसल शिमला के संजौली में डेंगू मंदिर के पास रिहायशी क्षेत्र में तेंदुए ने कुत्ते को अपना शिकार बनाया। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश टांडा की उपस्थिति में गांव में बच्चों के लिए प्ले स्कूल को संचालित करने के समझौता हुआ है। समझौते के तहत प्ले स्कूलों को सही प्रकार से संचालित करने के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसमें बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होगा। इस संबंध में चंडीगढ़ में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश टाणा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस समझौता ज्ञापन पर महिला और बाल विकास की ओर से महानिदेशक और प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से निदेशक और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से समिता सुब्रमण्यम ने हस्ताक्षर किए। यूपी के गाजियाबाद में बदमाश बेखौफ घूमकर व्यापारियों को निशाना बना रहे हैं। दरअसल मामला गाजियाबाद के शहर घंटागर थाना क्षेत्र के किराना मंडी इलाके का है, जहां पर बदमाशों ने किराना व्यापारी से हथियारों के बल पर लूट की। हथियारबंद दो बदमाश ने इस घटना को अंजाम दिया, वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
आपको बता दें कि ये घटना यूपी के गाजियाबाद की है, जहां पर कुछ बदमाशों ने एक व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियारों के दम पर व्यापारी से लूट की। जिला कुल्लू की लग घाटी के डूंगी लग के पवन गांव में सुबह के समय घास रखने के लिए बनाए गए एक ढाई मंजिला मकान में अचानक से आग लग गई। आग लगने से मकान के दो कमरे जलकर राख हो गए। पीड़ित परिवार के मुताबिक सुबह अचानक से घास रखने वाले कमरों में आग लग गई, जिसमें घर में धुआं धुआं हो गया। धुआं उड़ता देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया। इधर दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस घटना में 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि 10 लाख रुपए की संपत्ति जलने से बच गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी के सिंगरौली जिले में नेताओं के बीच हुई मारपीट को लेकर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड के सीडब्ल्यूएस वार्ड 18 में दावा आपत्ति निरीक्षण करने प्रशासनिक अमले के लोग पहुंचे थे, तो वहीं कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह और बीजेपी नेता देवेश पांडे के बीच में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर जयंत पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी को मैंने इसीलिए फोन किया था, वो वहां पर हम लोग के ऊपर हमला कर दिया। उनके साथ तीन, उनके साथ 4-5 लोग थे वहां पर जब लड़ाई कर रहे थे, बाकी अगल बगल सब खड़े थे। उनके साथ हमको लगता है 20 लोग रहे होंगे, लेकिन लड़ाई करने में 5 लोग थे वहां पर। और हम लोग से जो है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा, कॉलोनी के बीच ही बात है, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने लगे। उसके बाद अभी जो तो वो धमकी दे रहे थे कि मैं आज मर्डर करवा दूंगा। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पशुपालन और डेयरी विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर आरएस वुंडरू ने सीजन में सभी मंडियों में फसल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधान सचिव ने धान के कट्टों को कंडे पर तुलवाकर भार चेक किया। मंडियों में धान की डेयरियों पर जाकर नमी को चेक किया। इस दौरान प्रधान सचिव ने व्यापारियों और किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। मौके पर ही अधिकारियों को आईपैड पर पोर्टल को खुलवाकर देखा और सभी समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। देवरिया में सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को बेरहमी से पीट रहा है। बता दें कि वीडियो बघौच घाट थाना क्षेत्र के दुलार गांव का है, जहां पर दुलार पट्टी गांव में दो पक्ष आपस में ग्राम सभा की खलियान की जमीन को लेकर आपस में भिड़ गए, जिस पर पीड़ित पहले से अपना काम कर रहे थे और दूसरा पक्ष अपनी दबंगई पर वहीं कब्जा करने लगा और ये कहां सुनी मारपीट में तब्दील हो गई और एक दूसरे पर लाठी डंडों और गड़ासा से प्रहार करने लगे, जिसमें दूसरे पक्ष की महिलाओं के साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने बुरी तरह से घायल कर दिया। पीड़ित का कहना है कि हम लोग अपनी जमीन में सालों से रहते आ रहे हैं, जिसमें हमारा राइस मिल भी है, बगल में खलिहान की जमीन है, खलिहान की जमीन पर जानबूझ कर वो कब्जा जमाना चाहते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। सुबह में हमारे राइस मिल के बगल में कुछ लोग जबरन हमारे सड़क पे वो कर रहे। जो लोग थे वो कौन थे आपके? पट्टी के ही लोग थे। अच्छा, पट्टीदार लोग थे। जी, तो क्या हम लोग गए वहाँ समझौता के लिए, कहने पूछने के लिए। जी जी, गांव में ग्रुप बना कर समूह में आके लगभग कितने लोग थे? अरे लगभग 20-25 लोग। 12-13 आदमी। जी जी, और 10-12 लोग मतलब प्रहार किए हैं। जी, किसी ने गणासी से मारा है, किसी से फरसा से मारा है। जी, देखिए ओट कट गया मेरा। जी, सर भी फटा हुआ है। फटा हुआ है जी। भाई का देखिए हाथ कट गया। ये आपके भाई साहब हैं? उतर गया, तेरा हाथ उतार दिया, उंगली उतार दिया। जी 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 जी, ये देखिए बांध का, मेरी पूरा फूट गया, पूरा अंदर फट गया।
मोगा का सिविल अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल एक गर्भवती महिला ने अस्पताल की पार्किंग फर्श पर एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए जब मोगा के सिविल अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने खून की कमी और सर्जेरियन की बात कहते हुए उसे फरीदकोट रेफर कर दिया, जिससे थोड़ी देर बाद ही अस्पताल की पार्किंग के फर्श पर औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्ची को जन्म फर्श पर ही दे दिया। इस दौरान गर्भवती महिला के परिजनों का कहना है कि जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ एक दलित परिवार की गर्भवती महिला को अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई देखरेख नहीं की गई थी। साथ ही परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल परिजनों की मांग है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ 5:30 ਵਜੇ ਅੰਕਿਤਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ। ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਸੀ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋਇਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਸਿਰਫ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਬਰ 'ਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰਿਸਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਖਬਰੋਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ, ਜਲਦ ਲੌਟੇਂਗੇ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर एंथनी फॉसी ने शुक्रवार को कहा कि व्हाइट हाउस ने एक सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां शामिल होने आए लोगों ने ना तो मास्क लगाया हुआ था और ना ही सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया गया। इस कारण वायरस ने तेजी से व्हाइट हाउस में अपने पांव पसारे। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार फॉसी व्हाइट हाउस में हुई रोज
गार्डन सेरेमनी की बात कर रहे हैं। यहां 26 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट की जज के तौर पर एमी कोनी बेरेट को नामांकित करने की घोषणा की थी। न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के अनुसार अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने कहा है कि हमारे पास व्हाइट हाउस में एक सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम था और ये एक ऐसी स्थिति में था जहां लोग एक साथ भीड़भाड़ में थे और उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से व्हाइट हाउस में कोरोना फैला। गौरतलब है कि हाल ही में व्हाइट हाउस में कई लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। संक्रमित होने वालों में वरिष्ठ सलाहकार स्टीफर मिलर, प्रेस सचिव कायले मैकनेनी, सहायक प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट और चार्ड गिलमार्टिन, ट्रंप सलाहकार होप हिक्स और निकोलस लूना शामिल हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट से जुड़े आयोग का बयान सामने आया है। आयोग ने एक बयान में कहा है कि 15 अक्टूबर को कोई डिबेट नहीं होगी। सभी उम्मीदवारों ने उस दिन की अपनी योजनाओं के बारे में आयोग को सूचित कर दिया है। बता दें कि अंतिम बहस 22 अक्टूबर को नैशविले टेनेसी में होगी। इससे पहले आयोग ने घोषणा की थी कि 15 अक्टूबर को ट्रंप और बिडेन के बीच वर्चुअल डिबेट होगी। ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये सावधानी बरती गई थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने डिबेट में भाग लेने से इनकार कर दिया है। बता दें कि 1976 के बाद से हर अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव की एक विशेषता ये रही है कि चुनावी अभियान के दौरान राष्ट्रपति पद के लिए डिबेट होती है। साल 2000 के बाद से 3 डिबेट की परंपरा रही है। देशभर में अलग अलग हिस्सों में हाथरस कांड को लेकर रोष है। इस कड़ी में पंजाब के अमृतसर में हाथरस कांड को लेकर वाल्मीकि समाज ने पंजाब बंद का आह्वान किया और प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो वाल्मीकि और दलित समाज पूरे भारत बंद का आह्वान भी कर सकता है। वाल्मीकि जथेबंदियां आज इकट्ठे होके गवर्नमेंट को यह सूचित करना चाहते हैं कि जो भी दे जो हमारी बहन मनीषा है उसके कातिलों को फांसी की सजा होनी चाहिए और उनसे इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं, अगर ये नहीं होता है तो ये वाल्मीकि समाज और पूरा हमारा दलित समाज इकट्ठा होके सड़कों पे जल्द से जल्द पूरे भारत बंद की कॉल भी दे सकता है जी। आज पूरा पंजाब बंद किया जा रहा है जी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में कृषि कानून को लेकर प्रदेश स्तरीय किसान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री पीएल पुनिया समेत कई मंत्रीगण मौजूद रहे। रायपुर के राजीव भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बलौदाबाजार जिले के किसान और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं पीएल पुनिया ने कहा कि इसके जरिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आगे बढ़ाया जाएगा, कंपनियां और खेती करेंगी और किसान मजदूर बनकर रह जाएगा। हाल में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गाइडलाइन जारी की है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट की भाषा से लेकर कीमत तय करने का फॉर्मूला तय कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी कृषि कानून को लेकर बात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। पहुंचाने का कार्य किया गया, लेकिन इस सब में जहां एक मजबूत सरकार जनाकांक्षाओं के अनुरूप चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो उन कार्यों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, जहां पर सरकार का ये घोषणा हो, प्रधानमंत्री जी अक्सर इस बात को कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, हमारे लिए देश पहले है, पार्टी इसके बाद है,
परिवार उसके बाद है और इसके बाद स्वयं अपना स्वयं का हित आता है। अगर नेशन फर्स्ट है तो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर क्या विपक्ष को जिम्मेदारी का परिचय नहीं देना चाहिए? लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा में विपक्ष कितनी जिम्मेदारी का परिचय दे रहा है, हम लोगों ने समय समय पर विपक्ष की इस नकारात्मक भूमिका को देखा होगा। भारत की आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए, इस आर्थिक समृद्धि में सरकार योजनाएं बनाती हैं, उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी करती है। क्या एक जिम्मेदार विपक्ष को नहीं चाहिए कि वह भी कुछ अच्छे सकारात्मक सुझाव देकर के इसमें अभिवृद्धि करे? लेकिन नहीं, मेन मीक निकालना, बाल की खाल निकालने की स्थिति जैसी स्थिति एक गैर जिम्मेदार विपक्ष के रूप में कुछ नेताओं के वक्तव्य अक्सर आप सुनते होंगे, देखते होंगे। ये चीजें इस बात को बताती हैं कि हमें ना लोक कल्याण से मतलब है, हमें ना राष्ट्र कल्याण से मतलब है, ना आंतरिक सुरक्षा से मतलब है, ना बाह्य सुरक्षा से, ना वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और भारत के सम्मान को लेकर के। अगर इस प्रकार का गैर जिम्मेदार विपक्ष अगर मजबूत हो जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वह तो षड्यंत्र कर रहा है हर एक स्तर पर। वो एक सकारात्मक सोच के साथ अगर आगे बढ़े, रचनात्मक सुझाव दे, जहां पे सरकार लोकतंत्र विरोधी कार्य करे, जहां पर सरकार के कार्य लोक कल्याणकारी न हो, राष्ट्र के लिए हितकारी न हो, वैश्विक मंच पर राष्ट्र की समृद्धि और राष्ट्र के सम्मान के प्रतिकूल हो, एक जिम्मेदार विपक्ष को वहां पर मजबूती के साथ विरोध करना चाहिए। लेकिन जहां पर सरकार लोक कल्याण के लिए कार्य कर रही हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ मजबूती से डट करके फैसले लेकर के कार्य कर रही हो, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हो, एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में यह जिम्मेदारी। हिमाचल के धर्मशाला कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस के तहत बीटेक, एमबीए और एमसीए के लिए स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि धर्मशाला कॉलेज में बीटेक, एमबीए और एमसीए की 180 सीटें भरी जाएंगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दौरान प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि एमबीए, एमसीए और बीटेक की कक्षाएं सेल्फ फाइनेंस की तहत चलाई जाएंगी। इसके लिए प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने शेड्यूल जारी कर दिया है, जो कि 15 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में जो एमबीए, एमसीए तथा बीटेक की कक्षाएं जो सेल्फ फाइनेंस के द्वारा चलाई जाती हैं, इसका शेड्यूल जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है तथा विश्वविद्यालय ने जो हमें शेड्यूल जारी किया उसके अनुसार से महाविद्यालय में विश्वविद्यालय ही छात्र जो है वो सिलेक्ट करके महाविद्यालय को देगा। ये शेड्यूल 15 से 20 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसके लिए जो प्रथम हमारा जो पहली जो हमारी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, उसकी जो सूची है, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सूची है वो विश्वविद्यालय द्वारा ही हमें जारी की जाएगी तथा विश्वविद्यालय ही उसका अनुमोदन करके छात्रों। देश भर में अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान सरकार ने शिक्षा संस्थानों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को 12 अक्टूबर से स्कूलों में 100% आने, साथ ही 9वीं से 12वीं कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के निर्णय पर सुजानपुर से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा ने सही करार दिया है। बता दें कि हमीरपुर में विधायक राणा ने कहा है कि स्कूल और जनता से जुड़े कार्यों वाले क्षेत्रों को
नियमों के दायरे में खोला जाना चाहिए क्योंकि ये समाज के लिए बेहद जरूरी है। वहीं देश और प्रदेश में पार्टी के कृषि कानून पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर राणा ने कहा कि समूचे देश में कृषि कानून का विरोध हो रहा है, परेशान किसान धरना प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर हैं। राणा ने प्रदेश में पिछले कुछ समय से बढ़ रही हत्याओं और गुंडागर्दी के मामले पर भी चिंता प्रकट की और कहा कि हमीरपुर में भी लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, पुलिस पर बदमाशों को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।